यू नो। तो रणवीर ये बताइए कि कितना जरूरी होता है एक एक्टर की जिंदगी में एक यू नो कॉप ड्रामा या बिल्कुल एक रोहित शेट्टी स्टाइल सिम्भा अवतार और सिंघम अवतार जैसी एक फिल्म करना। यार एक 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 हमेशा ख्वाहिश रहती है दिल में कि आपकी माउंटिंग ऐसी हो लार्जर देन लाइफ, आप आपको हीरो की तरह माउंट किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, और रोहित शेट्टी सर से बेहतर और कौन कर सकता है ऐसा। मैं हमेशा से ये जॉनर करना चाहता था, लेकिन ऐसे ही नहीं सिर्फ और सिर्फ रोहित शेट्टी सर के साथ, क्योंकि मेरे मानने में इस जॉनर में उनको कोई टच नहीं कर सकता। उनका जो होल्ड है ना, मतलब वो ऑडियंस को ध्यान में रख के अपनी पिक्चर बनाते हैं। उनको पता है कि मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ वो अपने आप को थिएटर में यू नो डाल कर, कि मैं अगर ऑडियंस के साथ देख रहा होता तो वो एक ना एक ऑडियंस जो सेलिब्रेट पिक्चर देखते हुए उस पिक्चर को उस हीरो को रिवियर और सेलिब्रेट करना चाहती है, वो उनको वो ही देते हैं जो ऑडियंस चाहती है। और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लो यार, मतलब ऐसे 9 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देना छोटी बात नहीं है। एक 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 ज्ञान होता है, और ऐसे ही बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म्स देना एक्टर के लिए भी एक मतलब बैक टू बैक टचवुड यार मेहनत लगती है। और एक वो इस उनका उनका एक मास एंटरटेनमेंट को लेके बहुत हाई लेवल का ज्ञान है। That's true. और इट्स ये भी एक जरूरी बात हो गई रणवीर सिंह की, हर आपकी एक फिल्म में एक मल्हारी, एक यू नो अब आला रे आज रिलीज हुआ, एक कहना चाहिए जिसको लार्जर देन लाइफ कमर्शियल सॉन्ग होना रणवीर की फिल्म में मतलब सिनोनिम हो गया कि होना ही चाहिए। यार मैंने आज ही देखा वो गाना, इनफैक्ट आज ही रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली आज ही देखा होगा, लेकिन वो डांसर सो मेनी कलरफुल डांसर, वो टॉप शॉट्स के जो एंगल थे मतलब देख के लग रहा था शूट करके मजा आ गया। हालांकि बहुत मुश्किलात थी उस वक्त, बारिश हो रही थी यार, बेवक्त की बारिश हो रही थी हैदराबाद में, तो हम एक शॉट देखे फिर अंदर भाग जाते थे। मुश्किल था लेकिन क्या लग रहा है गाना विजुअली, बहुत ही सही लग रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। और ये जो एक साउंड होता है ना कमर्शियल साउंड, ये ढकिच की ढकिच की ढकिच की, माय फेवरेट लाइन इज दैट आज राजा नचिंगा, क्योंकि वो ऐसे नाचता है ना राजा हमारा, गा दीजिए प्लीज गा दीजिए आज राजा नचिंगा। ये ना ये मैं हूं, ये मेरा कोर है, ये मेरे फाउंडेशन है, खून खून मैं ये हूँ, मैं ये रगों में दौड़ता है राजा को नाचने का चस्का हो जाता है, कभी लुटेरा हो जाती है जैसी टाइप फिल्म, दिल धड़कने दो टाइप की फिल्म हो जाती है गली बॉय नहीं, लेकिन कहने की बात है लुटेरा या फिर दिल धड़कने दो, ये तो रगों में है सर, ये सपनों में रगों में दिल में धड़कन में, आज राजा नचिंगा गा दीजिए गा दीजिए गा दीजिए आज राजा नचिंगा। क्या हो रहा है बैठे बैठे हो रहा है, यस यस आई कैन सी दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स दैट लाइन दैट यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो भी गा रहा भाई अब आंख मारे, वो तो उससे बड़ा हिट तो इस वक्त कोई गा नहीं सकता, नखरे दिखाए सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क पे हाय नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारे ओ लड़का आ आ आ आ ओ लड़का आ आ आ आ आ ओ लड़का आंख मारे आंख मारे ओ लड़का आंख मारे। मैं मतलब इतना प्राउड होके प्राउड फील करके आपको बता सकता हूँ, ये हर गाड़ी में हर जिम में हर पार्टी में हर घर में टीवी पर रेडियो पर ये गाना छाया हुआ है और ऐसे छाया हुआ है, ब्लॉकबस्टर गाना है मैडम। मेरे एक्सपीरियंस में 8 साल मैंने काम किया, ऐसे टाइप का रिस्पांस एक गाने के लिए आना इट इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा मेरे साथ पहले हुआ ही नहीं है। जो एक जो आग लग जाती है ना, एक रोहित शेट्टी की जय, करण जौहर की जय, रणवीर सिंह की जय, क्या बात है, ये गाना तो ऐसा छा गया मैडम, ऐसा छा गया, मैं भी मतलब मैं भी हक्का बक्का रह गया, मतलब भाई क्या हो रहा है, 2 घंटे के अंदर गाना रिलीज हुआ, 2 घंटे के अंदर
numbers are मुझे तो लोग ऐसे फोन कर रहे हैं numbers नहीं मतलब पता नहीं वो social media पे इतने million million viewers हो गए उसके shattering people are calling like it's the film is out wow I'm like yeah man wow कहीं भी गाना मैं तो अपना मतलब वो अभी भी आप लेके चल रहे थे मैंने देखा था आप कहीं भी भजा दो बस मूड बन जाता है यार मूड बन जाता है बिल्कुल ठीक मैं तो हर रोज देखती हूं अभी न्यू ईयर की पार्टीज में मुझे लगता है सबसे मतलब 110 में वही मैं बोलने वाली थी मतलब कितना कंट्रीब्यूट किया मैं तो बहुत बार देखती हूं आप ही देखते हैं कभी देखा है मुझे मैं भी साइड में डांस कर रहा हूं तेरे मैं आप ही को देखती मैं भी साइड में डांस कर रहा हूँ तेरे लुक एट दैट तो बता दीजिए मतलब ये सारा ने तो अपना रणवीर नहीं 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 सारा ने तो बताया लेकिन आपके साथ शूटिंग करने का पहला दिन उनका कैसे था जब आप देखते हो आप अपने आप को ही देखते रहते हो या अभी आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि हम दोनों आपको देख रहे हैं की जरूरत नहीं है दो तीन साल बाद आप अपने को एक्टर को देखते मैं आपको बता दो तीन साल बाद इतना लंबा 8 साल हो गए आप भी अपने आप को ही देखते हो ना गाने में मैं हर चीज में अपने आप हाँ मैं भी आपको ही देख रही हूँ तो ये एक्टर की फितरत होती है तो मेरी फितरत नहीं है फिर तू देख रही है अपने आप को अच्छा मुझे ये बताइए पहला दिन इनके साथ कैसा था जब आप पहली बार इनको मिले थे रादर शूटिंग तुमको मैंने जब देखा था एवरीथिंग इज म्यूजिकली आंसरिंग मैं क्या बोलूं एक हैदराबाद में मैं एक शो कर रहा था एक शादी पे गया था डांस करने और मेरी परफॉर्मेंस हो गई और मैं वापस वैन में आया वैन में मैं अभी एंट्री की थी मैंने वैन में मैंने पसीना भी नहीं पोंछा था और हमारे सिक्योरिटी दादा कहते हैं कि सारा अली खान मिलने आई तो मैंने कहा ठीक है यार मिला लो मुझे लगा 2 मिनट मिल लेंगे 5 मिनट 10 मिनट हेलो एक फोटो हो जाएगी और वो मिल लेंगे सारा आई साथ में एक फ्रेंड को लेकर आई थी और 5, 10, 15, 20 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा बैठी रही मेरे वैन में मैंने अब तक मेरा कॉस्ट्यूम नहीं निकाला है और ये आ गई हाय सर हेलो ये बीच में लोग आ रहे गाड़ी निकलवा दे ये कह रही इन्हें निकलवा दो गाड़ी कैसे निकलवाएंगे उन लोग का चल रहा है ये और इनकी फ्रेंड बैठी है मेरे वैन में और मैं ऐसे में ये क्या यू वर ऑब्जर्विंग हर यू वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वर्सेशन ही वाज ट्राइंग आई थिंक बट आई वाज जस्ट टॉकिंग नॉनस्टॉप एज यूजुअल Overwhelming experience, my first experience of meeting Sara Ali Khan. और चिपक गई चेप की तरह मैं देख रहा था और मुझे वहीं के वहीं पता चल गया था कि ये लड़की स्टार है। सिम्बा के ट्रेलर जब देखो रणवीर तो उसमें एक यू नो देयर इज एन इंटेंसिटी के एक अंडरटोन है ऑब्वियसली इट्स लार्जर देन लाइफ सिनेमा रोहित शेट्टी इज नेम रिटन ऑल ओवर इट लेकिन एक अंडरटोन है जहाँ पे एक मैसेज को भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है क्या कहेंगे उसके बारे में ये आई होप इसका इफेक्ट ये हो कि लोग एक अलग नजरिए से कमर्शियल सिनेमा को देखें क्योंकि कमर्शियल वैल्यू के साथ धमाकेदार गाने बड़ा बड़ा एक्शन सारे वो बॉक्सेस चेक किए गए हैं लेकिन एट द सेम टाइम स्टोरी उसका कोर है एक नैरेटिव है जिसको सारे जो कमर्शियल चीजें होती हैं डांस हो एक्शन हो रोमांस हो कॉमेडी हो वो सब कुछ मिलेगा आपको लेकिन साथ में स्टोरी भी है और जब फिल्म ड्रामेटिक टर्न लेती है जब इंटेंस हो जाती है जब मुद्दा आ जाता है जब मुद्दे पे बात आती है तो वो इंटेंसिटी मतलब ऊपर वाली इंटेंसिटी नहीं है रियली इंटेंस और आई थिंक आई होप ऊपर वाला करे लोग भी यही रिकग्नाइज करें जब फिल्म निकलेगी और वो देखेंगे कि दिस इज मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है आई होप पीपल रिकग्नाइज दैट देर इज अ न्यू बेंचमार्क इन कमर्शियल सिनेमा कि सब कुछ देते हुए भी उसके मतलब एक जैसे सब्सटेंस है उसके अंदर रियल फीलिंग मतलब परफॉर्मेंस में भी मैंने खुद परफॉर्म किया तो मैं बता सकता हूँ रियल फीलिंग वो ऊपर से आइटमाइज्ड मामला नहीं तो होपिंग फॉर द बेस्ट आप क्या कहना चाहेंगे सारा इस बारे में मैं इन्होंने कह दिया मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की कोलैबोरेशन देखने जाएं
तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपेक्ट होगा कि गाड़ियां उड़ेंगी और धमाका होगा और एनर्जी होगी और मस्ती होगा और मौज होगा, जो कि है, सब है. वो एक्शन मिलेगा, वो कॉमेडी मिलेगी, वो सब मिलेगा. लेकिन जिस तरह से और जिस सेंसिटिविटी और कंसिडरेशन से एक बहुत ही सोशली रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल मुद्दे को हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है, वो मुझे लगता है आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. और उससे आपका एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव है, वो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो भी हमने दिमाग में और जहन में रखा है. और उम्मीद है कि वो आप लोग तक वैसे ही पहुंचेगी जैसे हमने कोशिश की.